गलत परंपराएं, गलत परंपराएं मत डालिए। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है। नो हम करने भी नहीं देंगे। नो गलत। नो एक मिनट, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्र अधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका, आप जाकर सदन में बैठिए। नो नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो हम करने भी नहीं देंगे। नो गलत। नो क्वेश्चन नंबर 162 श्री मलुक नागर जी। क्वेश्चन नंबर 162 माननीय सदस्य, गलत परंपराएं, गलत परंपराएं मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्र अधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इससे मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। हर कस्बे और हर शहर के एसटीपी प्लांट के द्वारा निकालने के बाद ही केवल पानी को गंगा जी में डाला जाता है, क्या ये आंकड़े और रिकॉर्ड उनके पास है? अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रकाशन लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है।